नमस्कार। तो कल से चीन के साथ क्या हो रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल में क्या हो रहा है, उस पर तो काफी चर्चा हो रही है। बहुत से लोग पर जानना चाह रहे हैं कि बड़े बड़े शहरों में स्थिति क्या होने वाली है एक महीने डेढ़ महीने से। हमने कल भी इस पर जिक्र किया था, परसों भी जिक्र किया था, पर कई लोग पूछ रहे हैं कि ये जो जैसे कि दिल्ली से खबरें आ रही हैं कि शायद जुलाई के एंड तक हमको 150,000 अस्पताल पलंग चाहिए होंगे, ये बात कहां तक सही है। तो आज एक बार फिर मैं जरा इसकी इस पर बात करना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा कि भाई ये कैसे हो सकता है। शुरुआत में करता हूँ दिल्ली से, पर यही आंकड़े शायद हम अन्य शहरों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिल्ली को अगर आप देखें तो सरकार क्या कह रही है कि जुलाई के खत्म होने तक करीब 5,00,000 केसेस दिल्ली में हो जाएंगे। अगर ये बात सही है, वो सारे के सारे केसेस एक्टिव तो नहीं होंगे, बहुत से लोग ठीक हो गए होंगे, घर चले गए होंगे, तो दिल्ली सरकार का कहना है कि मान लीजिए 3,20,000 लोग ऐसे होंगे जो एक्टिव केसेस होंगे जुलाई के एंड तक, क्योंकि बहुत से नए केसेस उस समय सामने आ रहे हैं। अगर आप 3,20,000 लोगों को एक्टिव समझेंगे जुलाई के एंड तक, और अगर मान लीजिए उनमें से 25% ऐसे लोग हैं जिनको अस्पताल में भर्ती किया जाना है, फिर आपको वो आंकड़े आते हैं 80,000 पलंग की जरूरत पड़ेगी। पर एक चीज आपको याद रखनी चाहिए कि ये तभी होगा अगर जो आज के ग्रोथ रेट है वो अगले 50 दिन जारी रहेंगे। और दुनिया भर में अगर आप देखें तो ऐसा होता नहीं है। किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी देश में जब बहुत सारे कोरोना वायरस केसेस हो जाते हैं तो ज्यादातर अभी तक हमने देखा है कि जो रफ्तार है वो धीमी हो जाती है। हो सकता है कि दिल्ली में भी यही होगा, फिर 3,20,000 एक्टिव केस नहीं होंगे। अब जब दिल्ली सरकार कहती है कि नहीं हमें 80,000 पलंगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1,50,000 पलंगों की जरूरत पड़ेगी, तो वो इसलिए है कि दिल्ली सरकार कह रही है कि लोग बाहर से आएंगे, दिल्ली के अंदर आएंगे और इसलिए उनको पलंगों की जरूरत पड़ेगी। अब ये बात शायद सही नहीं है, क्योंकि अगर आप मान लें कि दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी चल रही है, कोई पलंग नहीं है, अस्पताल भरे हुए हैं, लोगों को बैंक्वेट हॉल्स में या स्टेडियम्स में रखा जा रहा है, तो हो सकता है अगर कोई लोग हरियाणा से हैं या उत्तर प्रदेश से हैं या कहीं से भी हैं, वो अपने ही राज्य में ठहर जाएंगे। कौन ऐसे राज्य में या ऐसे शहर में जाना चाहेगा जहां एक हेल्थ इमरजेंसी चल रही है। तो इसलिए जो तैयारी करनी चाहिए वो शायद 50,000 या 80,000 पलंगों की ही तैयारी करनी चाहिए। और ये एक्सरसाइज अगर दिल्ली में चल रही है, मुंबई में चल रही है, तो यही चेन्नई में भी किया जाना चाहिए, अहमदाबाद में किया जाना चाहिए, पुणे में किया जाना चाहिए, कोलकाता में किया जाना चाहिए। हर एक शहर को देखना चाहिए सबसे बुरे हालात क्या हो सकते हैं अब से 50-60 दिन बाद, और उसके बेसिस पर तैयारी की जानी चाहिए। चलिए, तो ये थे कुछ डराने वाले आंकड़े अगले 50-60 दिन के लिए, पर अब देखते हैं आज की मुख्य सुर्खियां। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारत में अभी कोरोना का पीक आना बाकी है, लेकिन इससे पहले ही गंभीर मरीजों के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत से ज्यादा गंभीर मरीज केवल अमेरिका में हैं। भारत में फिलहाल 8,944 गंभीर मरीज हैं, जबकि भारत के बाद तीसरे नंबर पर मौजूद ब्राजील में 8,318 गंभीर मरीज हैं। हालांकि कोरोना के कुल मामलों के हिसाब से भारत अभी भी ब्रिटेन, स्पेन, ब्राजील, रूस और अमेरिका के बाद छठे नंबर पर है, मगर जिस रफ्तार से देश में कोरोना केसों की तादाद बढ़ रही है उससे आशंका जताई जा रही है कि भारत अगले हफ्ते तक ब्रिटेन और स्पेन को पीछे छोड़कर चौथे नंबर पर पहुंच जाएगा। देखते हैं आंकड़ों के लिहाज से दुनिया में भारत की स्थिति। दुनिया में भारत की स्थिति, गंभीर मरीज 8,944, दुनिया में नंबर दूसरा, कुल मौत 8,102, दुनिया में नंबर 12वां, रिकवर मरीज 1,41,028, दुनिया में नंबर 7वां, एक्टिव केस 1,37,448, दुनिया में नंबर 4था, टोटल टेस्ट 52,13,140, दुनिया में नंबर 4था, कुल मरीज 2,86,579, दुनिया में नंबर 6था। देश में हालात किस कदर खराब हो रहे हैं इसका अंदाजा कुछ दूसरे आंकड़ों से भी लगाया जा सकता है। मई महीने की शुरुआत में कुल कोरोना मरीजों के मामले में भारत टॉप 30 में शामिल था, एक महीने में ही वो छलांग लगाकर छठे नंबर पर पहुंच गया। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में बायोस्टेटिस्टिक्स के प्रोफेसर भ्रमर मुखर्जी के मुताबिक जुलाई की शुरुआत तक भारत में कोरोना के कुल मरीज 21,00,000 तक हो सकते हैं,
इतना ही नहीं, इस मुद्दत में करीब 18 से 20 हजार लोगों की जान भी जा सकती है। कोरोना वायरस के महासंकट के बीच गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स के विशेष कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि आज के वक्त में देश का आत्मनिर्भर होना जरूरी है, दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी। पीएम मोदी ने कहा कि इस वक्त मुसीबत की दवाई सिर्फ मजबूती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देशवासियों के मन में संकल्प है कि आपदा को अवसर में बदलना है, इस संकट को देश का टर्निंग पॉइंट बनाना है, आत्मनिर्भर भारत की टर्निंग पॉइंट है। पीएम ने कहा कि हर वो चीज जिसे आयात करने के लिए देश मजबूर है वो भारत में ही कैसे बने, भविष्य में उन्हीं उत्पादों का भारत निर्यातक कैसे बने, इस दिशा में हमें और तेजी से काम करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के अलावा और भी संकट सामने हैं जो हमारे इच्छा शक्ति के आगे की राह खोलती हैं और हम एकजुट होकर हर संकट से निपटेंगे। देश में कोरोना की स्थिति पर कई दिनों के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें ये दावा किया गया है कि देश में 1% से भी कम आबादी कोरोना वायरस से प्रभावित हुई है। सरकार ने अपनी पीठ थपथपाते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने में लॉकडाउन काफी कारगर रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल, ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल मौजूद थे। उन्होंने बताया कि देश के 83 जिलों में सर्वे कराया गया है, जिसमें ये पाया गया है कि केवल 0.73% लोग ही कोरोना से प्रभावित हुए हैं। ICMR के मुताबिक देश में कोरोना से डेथ रेट पहले 3.3% थी, जो अब घटकर 2.8% रह गई है। इसके अलावा देश में रिकवरी रेट 49.21% हो गया है। सरकार ने दावा किया कि अभी देश में रोजाना 1.5 लाख टेस्ट हो रहे हैं, जबकि हमारी क्षमता 2 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की हो गई है। दिल्ली में कोरोना वायरस से हुई मौतों को लेकर बीजेपी शासित MCD ने चौंकाने वाला दावा किया है। तीनों MCD का दावा है कि दिल्ली में कोरोना वायरस की वजह से 2000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। नॉर्थ MCD स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन जयप्रकाश ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आंकड़े सामने रखे। उन्होंने कहा कि 10 जून तक दिल्ली की तीनों MCD में करीब 2098 कोरोना मरीजों की मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। जयप्रकाश के मुताबिक दिल्ली सरकार को संदिग्धों का आंकड़ा अलग से दिया गया है, जिसकी संख्या करीब 200 है। बता दें कि दिल्ली में आधिकारिक तौर पर मौत का आंकड़ा 984 है। इसके अलावा दिल्ली सरकार के मुताबिक कुल मरीजों की संख्या 32,810 है, जबकि 12,245 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली में फिर से सख्त लॉकडाउन की मांग को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई है। ये याचिका PIL वकील अनिर्बान मंडल और उनके सहयोगी पवन कुमार ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि जुलाई अंत तक राज्य में 5.5 लाख कोरोना मरीज हो जाएंगे, ऐसे में यहां फिर से सख्त लॉकडाउन की जरूरत है। याचिका में इसके लिए आम आदमी पार्टी सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है। इसके अलावा दिल्ली में डॉक्टरों और महामारी एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाकर कोरोना को रोकने की रणनीति बनाने की भी मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि जब दिल्ली में लॉकडाउन था तो कोरोना की रफ्तार बेहद धीमी थी। बता दें कि दिल्ली में अब कोरोना मरीजों की संख्या 32,000 को पार कर गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 984 हो गई है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2,86,000 को पार कर चुकी है। इस बीच कुछ राज्यों पर आंकड़ा छुपाने या कम दिखाने के आरोप भी लग रहे हैं। ताजा मामला तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई का है। यहां 200 मौतों के आंकड़े में फेर का अंदेशा जताया जा रहा है। खुद तमिलनाडु सरकार ने कोरोना से हुई मौतों की ऑडिट का आदेश दिया है। इंडियन एक्सप्रेस ने एक बड़े अधिकारी के हवाले से खबर दी है। ऑडिट करने का आदेश तब दिया गया जब शासन ने पाया कि COVID-19 से हुई मौतों का कुछ आंकड़ा राज्य के आधिकारिक आंकड़ों में जोड़ा ही नहीं गया। अधिकारी के मुताबिक यह अनुमान नगर निगम के रिकॉर्ड के प्रारंभिक रिपोर्ट पर है। स्वास्थ्य सचिव बिला राजेश ने कहा कि इस सिलसिले में जांच के लिए 9 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है। उन्होंने कहा कि हमें मौत का डेटा छुपाना नहीं है। तमिलनाडु में बुधवार शाम तक कोरोना से मौत का आंकड़ा 326 पहुंच गया है। इसमें 260 मौतें अकेले चेन्नई शहर में हुई है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच चेन्नई के एक शेल्टर होम में रह रहे 35 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की।
अदालत ने शेल्टर होम्स में कोरोना के प्रसार और बच्चों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों के बारे में तमिलनाडु सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई को 6 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया है। इसमें देश भर में आश्रय गृहों पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर सुनवाई की जाएगी। खबर के मुताबिक हॉस्टल के वार्डन को कोरोना हुआ था, बाद में बच्चों में भी इस वायरस का संक्रमण फैल गया। नोटिस जारी करते हुए अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि ऐसी लापरवाही कैसे हुई। देश में लगातार 8वें दिन 24 घंटे में करीब 10,000 नए कोरोना केस आए। गुरुवार सुबह जब स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े आए तो स्थिति और डराने वाली हो गई। देश में एक दिन में पहली बार 357 लोगों की मौत हुई है, जबकि 9,996 नए मामले सामने आए हैं। अब देश में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 286,579 हो गई है, जबकि 8,102 लोग इससे अपनी जान गंवा बैठे हैं। हालांकि रिकवरी रेट कुछ उम्मीद बांधती है। देश में रिकवरी रेट 49.21% तक पहुंच गया है और 141,029 लोग इस बीमारी को मात देने में कामयाब हुए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 5,823 लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में इस वक्त 137,000 कोरोना के एक्टिव केस हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में 46,000 से ज्यादा संक्रमितों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर दिल्ली, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु, चौथे नंबर पर गुजरात और पांचवें नंबर पर पश्चिम बंगाल है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहले ही कह चुके हैं कि जुलाई के अंत तक दिल्ली में 5.5 लाख कोरोना मरीज हो सकते हैं। ये भले ही अनुमान हो, लेकिन देश की राजधानी में जो आंकड़े पिछले एक हफ्ते सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि दिल्ली का हाल मुंबई जैसा होने वाला है। गुरुवार को 24 घंटे में दिल्ली में 1501 नए केस आए, जबकि मुंबई में इससे थोड़े ही ज्यादा 1567 केस आए। दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट भी कई जगहों पर 30% से ज्यादा हो गया है। आंकड़ों के आधार पर देखते हैं क्या है स्थिति। दिल्ली 1501 नए मरीज, मुंबई 1567 नए मरीज। दिल्ली में 19,581 एक्टिव केस, मुंबई में 26,897 एक्टिव केस। दिल्ली में 12,345 मरीज ठीक हुए, तो मुंबई में 23,693 ठीक हुए। दिल्ली के अंदर पॉजिटिविटी रेट, साउथ ईस्ट दिल्ली 30.4%, शहादरा 24.86%, सेंट्रल दिल्ली 21.21%, नॉर्थ दिल्ली 20.52%। खास बात ये है कि ये आंकड़े 3 जून के हैं, जो अब और बढ़ चुके हैं। मंगलवार के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अपडेट जानकारी नहीं दी है, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि हालात गंभीर हैं। 3 जून तक दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 10.27% था, जो बढ़कर करीब 30% तक हो गया है। राजधानी की खराब हालात का अंदाजा रोज आते केसों की संख्या से भी लगाया जा सकता है। दिल्ली में किस दिन कितने केस, 11 जून 1366 केस, 10 जून 1501 केस, 9 जून 1366 केस, 8 जून 1007 केस, 7 जून 1282 केस। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हालात ऐसे ही रहे तो जल्द ही दिल्ली मुंबई से आगे निकल सकता है। दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी का हमला और लॉकडाउन की वजह से कई बड़ी समस्याएं सामने आने वाली हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने बताया कि कोविड-19 के संकट की वजह से इस साल करीब 4.9 करोड़ और लोग अत्यंत गरीबी के गर्त में जा सकते हैं। इतना ही नहीं, GDP में हर 1% की गिरावट का असर लाखों बच्चों के विकास को अवरुद्ध करेगा। उन्होंने देशों से वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए कहा है। गुतारेस ने चेतावनी दी है कि यदि तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो साफ है कि भीषण वैश्विक खाद्यान्न आपात स्थिति का जोखिम बढ़ रहा है। कोरोना महामारी के खिलाफ लॉकडाउन के बाद से दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में इसका भारी असर पड़ा है। भारत भी इस गंभीर बीमारी की चपेट में है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण भारत को लगभग 10 लाख करोड़ रुपए के रेवेन्यू का अनुमानित नुकसान होगा। इसी के साथ जोड़ते उन्होंने कहा कि स्थिति इतनी खराब है कि कुछ राज्यों के पास तो अगले महीने का वेतन देने के लिए भी पैसा नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि हम सभी एक कठिन समय से गुजर रहे हैं, हम संकट का सामना कर रहे हैं। हम इसका सामना नकारात्मकता, निराशा और डर से नहीं कर सकते। हमें कोरोना वायरस से आत्मविश्वास और सकारात्मकता के साथ लड़ना होगा।
टी20 वर्ल्ड कप की किस्मत का फैसला होना अभी बाकी है, लेकिन इस बीच बीसीसीआई ने इस साल के आखिर तक आईपीएल को कराने को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने सभी राज्यों को एक लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने जल्दी ही आईपीएल के एक्शन प्लान को लेकर फैसला लेने की बात कही है। गांगुली के पत्र के मुताबिक बीसीसीआई आईपीएल कराने को लेकर बेसब्र है और इससे होने वाले नुकसान से बचने के लिए वो इसे खाली स्टेडियम में भी कराने को इच्छुक है। लेटर में इस बात का भी जिक्र है कि खिलाड़ी, फ्रेंचाइजी, ब्रॉडकास्टर, स्पॉन्सर सभी आईपीएल के इस साल के आखिर में कराए जाने के फेवर में हैं। हाल ही में कई सारे देसी विदेशी क्रिकेटर्स ने टूर्नामेंट में खेलने को लेकर अपना इंटरेस्ट दिखाया है। बता दें कि 29 मार्च से ही शुरू होने वाले आईपीएल पर कोरोना की वजह से अनिश्चितकालीन ब्रेक लगा है। अमेरिका कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक है। यहाँ कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या अब 20 लाख के पार चली गई है, जबकि करीब 1,13,000 की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 1,34,000 नए कोरोना के मामले सामने आए। अब मरने वालों की संख्या में 5,165 का इजाफा हो गया। अकेले न्यूयॉर्क में 30,542 लोगों की मौत हो चुकी है, तो न्यू जर्सी में 12,377 लोगों की मौत हुई है।